कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नगला बीरवान के बूथ संख्या 29 पर सुबह से ईवीएम मशीन खराब हो जाने के कारण ग्रामीण वोट डालने के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कतार में लगे रहे। ग्रामीणों में रोष पैदा होने पर लगभग सुबह 7 बजे से 10 बजे के बाद कोई भी वोट नहीं डाल सका। इसके बाद ईवीएम मशीन दूसरी लाई गई, वही वोटिंग शुरू हुई। 3 घंटे बाद तक किसी भी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं हो पाई। आप लोग यहाँ पर कितनी देर से खड़े हो? अभी तक ईवीएम मशीन सही नहीं हुआ? ऊपर से बार बार मतलब की खबर की गई है। गांव नंगला बीरवान में आपको लेके चलते हैं, जहां सुबह से 7 बजे से मशीन खराब है, जहां पब्लिक वोट नहीं डाल पा रही है। आइए आपको लेके चलते हैं, अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि आगे हमारे साथ आएगा। हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे वोट डाले जाते हैं। यहाँ पे स्थिति यह है कि मशीन खराब है सुबह 7 बजे से। हेलो, आइए अब मशीन देखिए। ये यहाँ पे मशीन लगी हुई है जहाँ पे किसी कारण से मशीन में कमी आ रही है, पब्लिक अपना वोट नहीं डाल पा रही है। आप देख सकते हैं कैमरामैन से आगे ये हमारी मशीनें दिखाएंगे। आइए अब हम आपकी बात करते हैं अनिल कुमार जी से, जो यहाँ पे मतदाता है, अपनी मशीन की व्यवस्था देख रहे हैं। जी अनिल जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार, पीठा सिंह अधिकारी हूँ जी। तो मैंने 6 बजे मॉक पोल के लिए मशीन को ऑन किया था जी, और जिसमें बैलेट यूनिट काम नहीं कर रही है, जिससे कि मॉक पोल भी नहीं हो पाया। और मैंने अपनी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को 7 बजे उनको दे दिया था, तब से वो आने के लिए कह रहे कि मैं अभी आ रहा हूँ, परंतु उनके द्वारा अभी सूचित किया गया कि एडीएम साहब से कह दिया गया है कि आपके यहाँ मशीन आ रही है। आइए अब ये देखते हैं कि मशीन कब तक आती है और कब तक वोट पड़ते हैं। आप देखते रहिए, यहाँ पे पब्लिक कितना परेशान है कि वोट नहीं डाल पा रही। आइए पूछताछ करेंगे जी। आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? 7 बजे से। क्या समस्या है यहाँ पे? ये मशीन खराब बता रहे सर। मशीन खराब बता रहे हैं। आप कब से खड़े हैं ये? हम 7 बजे आ गए थे। 7 बजे सुबह आप आ गए थे, तो यहाँ पे आप आए तो क्या लगा आपको? हमको वो मशीन ही नहीं शुरू हो रही है जी। आप कब से खड़े हैं? हम 7 बजे से खड़े थे। मुझे ये लग रहा है कि सपा की वोट जहाँ जहाँ है तहाँ मशीनें खराब चल रही है और भाजपा की सही चल रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। पर लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के चुनाव प्रचार के लिए रोड शो करने आई छोटी इंदिरा गांधी को देखने के लिए जनसैलाब देखने को मिला। वहीं पर कांग्रेसियों और उनके समर्थकों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। वहीं बच्चियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ते भी दिखाई दे रही है। वहीं बरबर चौराहे पर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे चौपहिया वाहन पर बने मंच से केंद्र की 56 इंच सीने वाली सरकार पर निशाना साधते हुए 2014 के चुनाव के समय जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वह रोजगार कहां है? देश के नौजवानों को किसानों के साथ जुमले और ठगने का काम किया गया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वह करती है। उन्होंने किसानों की दुख तिरक पर उंगली रखते हुए कहा कि गन्ने का मूल्य 1 रुपए भी नहीं बढ़ा, बकाया भुगतान भी नहीं हुआ, किसी की उपज का समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिला। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद को जिताने की अपील की, साथ ही साथ पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, जिनको यहाँ के लोग छोटी इंदिरा के रूप में देख रहे हैं, वे 3:10 पर हेलीकॉप्टर पुवाया तिराहा के पास बनाया गया, जहाँ पर हेलीपैड पर उनका उड़न खटोला उतरा। तब जाकर आग उगलती धूप और तेज गर्मी के बीच 20,000 की भीड़ का जनसैलाब देखने को मिला। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मुजीब अहमद सिद्दीकी के साथ रफीक खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। 2019 की लोकसभा चुनाव में देश की जनता अपने मताधिकार का उपयोग करके किसके सर पर ताज बांधेगी, ये तो 23 मई को ही सार्वजनिक होगा। लेकिन जनता कितनी खुश है पिछली सरकार से, यह जानने के लिए आज हम पहुंचे इटावा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गांव रोहिणी में। तो स्थानीय मताधिकारों का इस्तेमाल इसलिए किया है कि देश को एक सशक्त मुखिया मिले और मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं आज जैसी की पूर्ति हो। वहीं पर पूर्व प्रधान दिनेश दुबे ने बताया कि मोदी सरकार ने राष्ट्र के हित में जो किया वो अभी तक किसी ने नहीं किया। रोहिणी वोट डाल दिया जी? जो आपने वोट डाला है
लोकसभा इटावा के प्रत्याशी को वोट दिया है, तो आपके क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य सबसे बड़ा उद्देश्य इस देश में है कि राष्ट्रवाद, अगर देश हमारा सुरक्षित है तो हिंदुस्तान की जनता सुरक्षित है। सबसे मेन मुद्दा यही है और इसी बात पर मैंने वोट दिया। इससे पहले जो पिछले 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब भी तो वोट डाले गए थे। जी हाँ। क्या उन्होंने वादे पूरे किए? जी हाँ, उसमें वादे बहुत पूरे हुए। जैसे कि कोई ऐसा वादा? जैसे कि देश का इतना विकास हुआ है, और मेन मुद्दा था आतंकवाद का। आतंकवाद पर इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो अपना अटैक किया है, शायद है कि आज तक हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं किसी ने नहीं कर पाया। नाम है आपका? किस गांव के निवासी हैं? आपने अभी क्या महीने हो गए शादी के आपको? आपने अभी कितनी बार वोट डाला? आपने पहली बार वोट लोकसभा इटावा से प्रत्याशी को डाला है, आपको कैसा एहसास हो रहा है, क्या अनुभव प्राप्त कर रहे हैं? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनुपम दुबे की रिपोर्ट, कानपुर देहात। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बिजवा के चित्रग्राम अलियापुर में मतदाताओं ने अपने मत का दान करते हुए अधिक संख्या में नजर आए। वहीं आपको बताता चलें कि सुरक्षा हेड कांस्टेबल विजय पाल सिंह की काफी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। यहां पर सूत्रों के जरिए अभी पता चला कि लगभग 1 बजे तक 41% वोटिंग हो चुकी है। मैं टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल से क्राइम संवाददाता लुकमान रजा, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्लॉक बिजवा के अंडर में पड़ने वाले पिपरा खुर्द में। और यहाँ दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो वोट है वो 1221 वोट है, लेकिन अभी तक सिर्फ 364 वोट पड़े हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है भीड़, अभी तक माहौल जो है भीड़ का बना हुआ है, और मतदाता जो है बराबर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वह भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और मैं इससे पहले भी कई बूथ पे गया, लेकिन वहाँ पे ऐसी व्यवस्था ना होने के कारण, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है व्यवस्था ऐसी है कि मतदाताओं के लिए यहाँ छाव के लिए पंडाल की व्यवस्था कराई गई है, जिससे कि उन्हें धूप का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, टीवी वन इंडिया न्यूज़ चैनल से क्राइम संवाददाता अनमोल अवस्थी के साथ लुकमान रजा। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। रायबरेली के बैसवारा लालगंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा प्रचार के दौरान अपने पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को जिताने के लिए ताकत झोंक दी। आपको बता दें कि रायबरेली के तहसील व थाना लालगंज के अंतर्गत आज दिनांक 29 अप्रैल को लगभग 11 बजे समय सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर रोड हाईवे के निकट जनसभा का आयोजन करने के साथ साथ अपने प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आए, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कहा कि महागठबंधन पर निशाना साधते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं और दोबारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएं। वहीं आतंकवाद, भ्रष्टाचार मिट सके और अपना भारत देश आगे बढ़े, और विकास कार्यों में नौजवानों को नौकरी देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को इस जनसभा के द्वारा इतनी भीड़ नहीं जुटा पाई, जिससे भाजपाइयों में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहां पर जनता द्वारा भीड़ नहीं होगी। ताकि रायबरेली सांसद सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है और उनके खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को हमने उतारा है, या 1 किलो का माना जाता है कि भेद कर प्रत्याशी को सांसद बनाकर, या 1 किला माना जाता है जिसको भेद कर प्रत्याशी को सांसद बनाकर आप लोग दिल्ली भेजने का कार्य करेंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि यहाँ की जनता खुद समझदार है। अपना बहुमूल्य वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी को देकर रायबरेली जिले को विकास की ओर ले जाएगी। वहीं इस मौके पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री रामगोपाल त्रिपाठी, सरेनी विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाई प्रधान सुरेंद्र मौर्य, सालिन ग्राम मौर्य के ग्लास हाउस सेक्टर अध्यक्ष मनोज मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, विधान परिषद के सदस्य श्री दिनेश प्रताप सिंह के, और इतनी भारी संख्या में उपस्थित इस करेली विधानसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गोरक्ष पीठाधीश्वर, खाद देंगे, बीज देंगे, लेकिन सांसद बनने के बाद कभी चेहरा दिखा। सम्मानित साथियों, किसानों के लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बैसवारा की धरती पर यशस्वी मुख्यमंत्री का जनता
टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, लालगंज रायबरेली।